चलो चलो स्टार्ट स्टार्ट कर कर रहे रहे हैं हैं अभी। अभी। हेलो हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, आज आज हमारे हमारे साथ साथ मिस्टर मिस्टर अर्जुन अर्जुन हैं, हैं, मिस्टर मिस्टर अर्जुन अर्जुन शर्मा। शर्मा। इनको इनको एक एक अच्छा अच्छा खासा खासा एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है है एचबीसी एचबीसी में। में। इन्होंने इन्होंने एज एज ए ए सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, एज एज ए ए एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव कई कई जगह जगह पे पे वर्क वर्क किया किया हुआ हुआ है। है। तो तो आज आज एक इंटरव्यू इंटरव्यू या या कहें कहें डिस्कशन डिस्कशन हम हम इनके इनके साथ साथ करेंगे, करेंगे, जिसमें जिसमें काफी काफी कुछ कुछ सीखने सीखने को को मिलेगा मिलेगा सब सब लोगों लोगों को। को। तो तो अर्जुन, अर्जुन, कुछ कुछ पहले पहले अपने अपने बारे बारे में में बताओ, बताओ, अपने अपने एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस के के बारे बारे में में बताओ, बताओ, क्या क्या कुछ कुछ किया किया है, है, कितने कितने साल साल का का एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है है आपको। आपको। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अर्जुन है और सबसे पहले तो सबको गुड आफ्टरनून, और आशा करता हूँ सब इस पेंडेमिक में सब ठीक होंगे। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने आईटीआई कर रखी है एसी रेफ्रिजरेशन में, और मैंने डिप्लोमा भी किया है मैकेनिकल से, और सिंस 2005 से मैं ये काम एचवीसी लाइन में काम कर रहा हूँ। ओके, तो तो आपने आपने क्या 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 हैंडल हैंडल किया, किया, क्या 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 चीजें चीजें हैं हैं जो जो मतलब मतलब कितने कितने टीयर टीयर तक तक चीज चीज चिलर्स चिलर्स आपने आपने हैंडल हैंडल किए किए हैं, हैं, तो तो वो वो सब 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 बताइए बताइए और और कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सा। सा। मैंने 90 TR से लेकर और 800 TR तक प्लांट ऑपरेट किए हैं, मेंटेनेंस किया ओके। होटल लाइन में, हॉस्टल्स लाइन और इंडस्ट्रियल लाइन में मैंने काफी काम किया है। ओके। तो हमारे जो कुछ क्वेश्चन थे, किसी ने हमारे किसी सब्सक्राइबर ने पूछे थे, तो मैं वही क्वेश्चंस रहेंगे जो मैं आपसे पूछूंगा। इसमें जो हमारा एचवीसी सिस्टम होता है, व्हाट इज द एचवीसी? सर, ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, ये कई जगह हमसे पूछा जाता है। तो व्हाट इज द एचवीएसी? ओके एचवीएसी को फुल फॉर्म कहते हैं हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग, और ओके कई जगह हम कहते हैं तो उसके आगे सर आर भी लग जाता है, हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेंट। ओके हम कॉमनली या तो हमारे इंटरव्यू में यही पूछा जाता है कि एचवीएसी क्या है। तो ओके एचवीएसी में हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इसमें हीटिंग का भी प्रोसेस होता है, प्रोविजन होता है, वेंटिलेशन का भी प्रोविजन हम प्रोवाइड कराते हैं एज ए डिमांड ऑफ कस्टमर और क्लाइंट, और एयर कंडीशनिंग का तो सर है ही है। ओके। तो जो हमारा एक चिलर होता है, उसमें जो क्या कुछ सेफ्टियां सेफ्टियां होती होती हैं, हैं, किन किन किन-किन चीजों चीजों का का हमें हमें ध्यान ध्यान रखना रखना पड़ता पड़ता है, है, थोड़ा थोड़ा उसके उसके बारे बारे में में बताइए। बताइए। सर, चिलर्स में हमारी सेफ्टी जो ऑपरेट ऑपरेटर के तरीके से अगर बात करूं तो चिलर में सबसे पहले तो सर हमें जो हम चिलर को ऑपरेट कर रहे हैं, अगर किसी भी चिलर को, तो उसको ऑपरेट करने से पहले कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हमें चेक करने चाहिए। जैसे ओके कि मान लीजिए आप चिलर को ऑपरेट कर रहे हैं, जी। तो ऑपरेट करने से पहले हम उसकी वोल्टेज चेक करते हैं, प्रॉपर वोल्टेज 510 415 है कि नहीं, ओके वो कंफर्म करने के बाद जो चिलर हम ऑपरेट करना है उसके वॉल्व चेक करते हैं, चिलर के कंडेंसर के ओपन है या नहीं। ओके जो उस चिलर के साथ हमें कंडेंसर पंप और चिलर सेकेंडरी प्राइमरी जो भी चलाना है उनके वॉल्व चेक करते हैं, उनकी सप्लाई बकायदा चेक करते हैं, मोटर के ओके कनेक्शन वगैरह चेक करते हैं कोई लूज तो नहीं है, लेकिन हम उस टाइम पे सप्लाई ही चेक करते हैं चलाने से पहले। ओके इन सब को देखने के बाद अंदर में सर उसमें हमारा एक्सपेंशन टैंक होता है चिलर, जिसका ओके काम होता है हमारी चिलर लाइन को मेकअप रख, ओके उसको चेक करते हैं कि उसमें नहीं, ओके हम कूलिंग टावर करते हैं, कूलिंग टावर में कूलर है या नहीं, अगर नहीं है तो उसको फिल करते हैं, क्योंकि तो चलाने से पहले वो बहुत जरूरी, अगर कूलिंग पानी आ गया टावर तो में कुछ दिक्कत जो आ टीडीएस सकती है। या पीएच रहता है, वो कितना कितना होता होता है, है, कितना कितना रखना रखना चाहिए? सर, जो पीएच है
वो हमारा स्टैंडर्ड जो रखा गया है वो 7 रखा गया है। ओके okay. अगर वो 7 से डाउन जाएगा तो जो हमारी कंडेंसर रिंग है उसके ऊपर स्केल जमना शुरू हो जाएगा, एक परत जमनी शुरू हो जाएगी। ओके okay. और अगर उससे ऊपर जाएगा तो हमारी लाइन को खाना शुरू कर देगा। ओके okay. तो जो भी पीएच मेंटेन करना चाहिए हमें एज ए स्टैंडर्ड जो एक रखा गया है वो 7 का रखा गया है। Okay. 7 रखना चाहिए हमें। ओके जो हमारा अभी अपर केमिकल भी यूज करते हैं। ओके कूलिंग लेकिन अलग अलग साइड पे होते हैं। ओके तो केमिकल किस तरह यूज किए जाते हैं, वो डेली डालने वाले होते हैं, वीकली वाले होते हैं, मंथली वाले, कौन से केमिकल यूज किए जाते हैं, क्या होता है इसमें? सर अलग, मैंने जैसे पहले भी बताया कि इसमें अलग अलग तरह के केमिकल होते हैं। कोई हम कुछ एक केमिकल्स होते हैं जो हम डेली बेसिस पे डालते हैं। ओके okay. केमिकल्स होते हैं उनको हम वीकली बेसिस पे डालते हैं। ओके okay. और कुछ मंथली बेसिस पे डालते हैं। ओके okay. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक्सपेंशन टैंक भी होता है हमारा चिलर का। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि हम चिलर टैंक में कौन सा केमिकल डालते हैं। तो उसमें सर जो हम केमिकल यूज करते हैं वो उसको जो मैं जो हम पर्सनली अपना यूज साइट पे करते थे उसी 100 यूज करते थे। ओके ताकि लाइन में हमारी थिकनेस ना जाए। ओके कूलिंग टावर के लिए इन्वर्टर ए और इन्वर्टर बी ओके ये यूज करते हैं। ओके बाकी सर अलग अलग साइट पे अलग अलग केमिकल्स होते हैं। कूलिंग टावर में किन-किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है? कूलिंग टावर हमारा लगा हुआ है तो वहां पर किन-किन चीजों का थोड़ा ध्यान रखेंगे और जो कूलिंग टावर में हमारा इन आउट होता है डेल्टा टी कितना होना चाहिए, अगर बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है, क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। कूलिंग टावर में सर सबसे पहले तो हमें कूलिंग टावर में तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको बताया पानी होना चाहिए जी जी, उसके फिंस टाइम टू टाइम हमें चेक करते रहने चाहिए। सिटी फैन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, सिटी फैन चेक करते रहने। कई बार कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, अलाइनमेंट नहीं ठीक है, चलते चलते लूज हो रही है उसके कनेक्शन, मोटर के टर्मिनल चेक करते रहने चाहिए। ये तो एक हमारा एज ए आफ्टर हर 15 दिन के बाद ये हमें चेक करते रहना चाहिए। okay. इसके अंदर सर और जो अगर तो हम कहेंगे एक एक सफिशिएंट हमारा एक स्मूथली रन करने के लिए हमारा अगर मैं डिग्री फारेनहाइट में बात करूं तो इनलेट जो हमारा पानी ठंडा होके कंडेंसर में जाता है उसका टेम्परेचर 86 फारेनहाइट होना चाहिए। अगर सेंटीग्रेड में बात करूं 29 सेंटीग्रेड हो गया आपका कितना? और आउट 29 सेंटीग्रेड में। ठीक है और आउट का? और आउट का सर आउट का हमारा चले 93-94 फारेनहाइट में बता रहा हूँ ये मैं आपको। okay. ये ठीक, ये सर एक डेल्टा हमारा 6 के बीच में चलना चाहिए, 5 और 6 के बीच में चलना चाहिए डेल्टा। okay. तो सपोज मेरा बढ़ रहा है, मैं कहूँ कि मेरा 10 जा रहा है डेल्टा टी, तो क्या रीजन हो सकते हैं उसके? उसमें सर एक तो अब ये सीधा लिंक करता है हमारा जो हमारी चिलर में एक पैरामीटर होता है सबसे जरूरी कंडेंसर में अप्रोच। ये कॉमन क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा भी जाता है अप्रोच। ये जो अप्रोच होती है ये हमारा जो कंडेंसर का आउटलेट टेम्परेचर होता है और जो हमारा सेचुरेशन टेम्परेचर होता है उसके जो बीच का डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं अप्रोच। ठीक है, ये सर हमारा इसका एक पैरामीटर होता है, ये 1.0 से 3.5 तक एक स्टैंडर्ड है। ये अगर इसके बीच में चलेगा तो इसका मतलब हमारा कूलिंग टावर ठीक वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है यस सर। और अगर हाई जा रहा है तो इसका मतलब फिर पहले तो हम हो सकता है कि हमारे कंडेंसर में स्केल जमना शुरू हो गया हो। Okay. जैसे जैसे स्केल कंडेंसर में आने की होगी वो अप्रोच का जो डिफरेंस है वो बढ़ता जाएगा। okay. और अगर
सपोज अगर हमारे कंडेंसर में भी दिक्कत नहीं है और फिर भी हमारा कूलिंग टावर काम नहीं कर रहा है ढंग से, एफिशिएंसी नहीं दे रहा है, तो उसके कारण भी फिर पानी भी कम हो सकता है, हमारे खुद की फैन काम नहीं कर सकते, ये भी कारण हो सकता है उसके अंदर। हमारे कई बार स्टेनर्स लगे होते हैं, कई बार पानी जब रन करता है तो उसके साथ साथ कई बार कचरा भी आ जाता है स्टेनर्स में, वो भी एक कारण हो सकता है। पिंस जो हमारी, जैसे मैंने आपको बताया पीपीएम, ये हर विंटर सीजन में हम पिंस वगैरह, ये तो एक सर्विस का काम होता है, पिंस वगैरह में कई बार स्केल जम जाता है, कूलिंग टावर्स में फिंस लगी होती है उसके अंदर स्केल जम जाता है, तो वो प्रॉपर पानी को हमारा नीचे मतलब स्प्रे होके नीचे आना चाहिए, वो आ नहीं पाता है। नोजल्स में भी कई बार जो स्प्रे करती है वो पानी हमारा प्लांट से होके सीधा आता है कूलिंग टावर में ठंडा होने के लिए। पानी जब हम करंट चलाते हैं तो कई, आपने भी देखा होगा कि कई बार हमारा प्लांट कई साइट्स पे 15 घंटे भी चलता है, भी चलता है, और कई कई जगह पे 24 आवर्स भी चलता है। तो वो चलते चलते कई बार क्या होता है, वो स्केल जमना शुरू हो जाता है फिंस के अंदर, नोजल्स के अंदर, एक ये भी पैटर्न होता है हमारा डेल्टा टी बढ़ने, टेम्परेचर बढ़ने का, तो कई सारे कारण मैंने आपको बताया। ये आपका अपना कोई एक्सपीरियंस रहा हो जिसमें कुछ चैलेंज आपने फेस किया हो कूलिंग टावर की वजह से तो बताना चाहिए? सर मेरा ये पर्सनल हुआ था सर, मैं एक जगह सेंट्रल 78 में काम करता था इसी बिल्डिंग में, तो एक बार वहां पर पानी का बड़ा इशू रहता था, बहुत ज्यादा इशू रहता था पानी का, पानी कम होता था या क्या होता था? सर पानी की कमी होती थी या पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं थी? पानी की कमी हो जाती थी कई बार, पानी की कमी हो जाती थी क्योंकि वहां पर ज्यादातर वाटर यूज होता था। तो कई बार सप्लाई नहीं आती थी। अब हुआ क्या, एक वहां पे कुछ मीटिंग वगैरह थी क्लाइंट की, तो रात को सर पानी नहीं आया, कुछ उनका इशू हो गया मीटिंग थी, और 6:30 to 6:45 प्लांट चलाना ही था, तो अब दिक्कत आ गई कूलिंग टावर भरने की। हमने उस दिन कूलिंग टावर रात में क्लीन किए थे रुक के, इमरजेंसी मीटिंग आई, अब हमने, हमको तो पता था कि हम अगले दिन कुछ है नहीं, तो हम अपना टाइम लेके अपना कूलिंग टावर भर के अपना ऑपरेशन कर लेंगे, रन कर लेंगे, बट कई बार इमरजेंसी मीटिंग आ जाती थी वहां पर, तो वो पानी नहीं आ पाया, अरेंजमेंट नहीं आ पाया। तो सर इसमें बंदा करे तो क्या करे, अब फंस गया, ये तो चैलेंज है कि सुबह उनको प्लांट चलाना ही है, उनको मतलब नहीं है पानी नहीं मिला, वो तो प्लांट चलता बच। तो सर ये एक्सपीरियंस रहा, तो उस टाइम फायर का पानी यूज किया सर, फायर का पानी, तो प्लांट अपना एक हमने चलाना था प्लांट कैसे भी, हमें नहीं पता कैसे प्लांट, तो एक तो सर ये चैलेंज रहा है टावर के रिगार्डिंग, मैंने अपनी अपना लाइफ में ये चैलेंज बड़ा उस टाइम तगड़ा फेस किया था कि पूरी लाइन भरी पानी की। और एक बार सर चिलर में, अगर मैं कहूँ तो चिलर लाइन में एक मॉल में था मैं, तो वहां सर लाइन फट गई थी सर, लाइन फट गई थी, तो एक शोरूम का लाइन फट गई थी, तो उस टाइम क्या करें, नीचे से हम लाइन फटे थे
भरते भरते किसी ने ध्यान नहीं दिया, वॉल बोला पंप चला दिया सेकेंडरी, तो अब प्लांट लाइन तो पंचर हो गई, लेकिन सुबह तो मॉल तो अपने टाइम पे ही खुलेगा और वो भी पीक जून का, तो उस टाइम पे सर फिर ऑयल ट्यूब इस्तेमाल यूज किया सर, कौन सी ट्यूब? टायर ट्यूब, साइकिल की टायर ट्यूब होती है, कई बार हम जैसे होता ना सर आजकल स्कूटरों में ट्यूबलेस टायर चलते हैं, ये थोड़ी थोड़ी हवा तो उसको पंचर लगवा लेते हैं बाद में, तो इसमें भी और ये होता है कि सीधा मैंने कि टायर ट्यूब उस दिन उस टाइम हमने यूज की, तो अपना सिस्टम हमने रख लिया था, तो दिक्कत आने नहीं थी, बट ये था कि देखो हमको वहां ऑक्यूपाई करना पड़ा देखने के लिए, बस जो हमारा इश्यू होता है जो हमारा चिलर का आउट होता है वो कितना होना चाहिए, अगर चिलर के बारे में बताइए तो चिलर के कितने मतलब सेट पॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा उसकी सेफ्टी के बारे में। चिलर का जो सर स्टैंडर्ड हम आउट रखते हैं वो रखते हैं सर हम 46 डिग्री सेंटीग्रेड में मैं बात करूं तो 7 रखते हैं सर आउट, रिटर्न रखते हैं वो रखते हैं 11 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो जो एक प्रॉपर एक अच्छी जो जिसको हम कहेंगे एक अच्छा पैरामीटर जिसको हम कहेंगे, तो अगर चिलर का आउट हम 7 तो एक बहुत अच्छा पैरामीटर माना गया है, अगर हम चिलर से आउट 7 दे रहे हैं तो हमारा कॉइल पे जाके वो टेम्परेचर सर हो जाता है 8 या 10 के बीच में हो जाता है, इतनी दूर में थोड़ी एनर्जी छोटी है पंप के थ्रू, और सर उसके बाद जब हमारा कॉइल पे 10 जाएगा कॉइल टेम्परेचर, तो जो हमारा ग्रिल टेम्परेचर होता है जो सप्लाई ग्रिल टेम्परेचर है उसको हम वो फिर हमारा सर जाएगा 14 to 15 ठीक है, ग्रिल टेम्परेचर हमारा 14-15 जाएगा तो हम रूम में फिर कह सकते हैं कि 21-22 डिग्री सेंटीग्रेड हम करेंगे मेंटेन, जो अच्छा है प्लस माइनस चलता है 22 और चिलर की सेफ्टी की बात है तो उसमें सर हमारा चिलर सेफ्टी में आता है हाई प्रेशर आता है, हाई प्रेशर सेफ्टी होती है, प्रेशर सेफ्टी होती है, एंटी फ्रीज सेफ्टी होती है सर जो एवेपोरेटर में होती है, एंटी फ्रीज अंडर वोल्टेज सेफ्टी होती है कि अगर अंडर वोल्टेज हो तो हमारा प्लांट कट ऑफ कर जाए, ओवर वोल्टेज होती है हमारी वोल्टेज ओवर जा रही है तो कट ऑफ करता है, एक ओवरलोड रिले सेफ्टी होती है, एक स्विच की भी सेफ्टी होती है, एक प्रेशर रिलीफ वाल्व फ्लो स्विच ठीक है सर जो हमारा कंडेंसर पे फ्लो स्विच होता है जी जी ठीक, और सर हमारी ओवरलोड रिले मैंने बताया जैसे और सर प्रेशर रिलीफ वाल्व सेफ्टी होती है ये सेफ्टी होती है तो हमारा जैसे कि जो अप्रोच है अप्रोच बढ़ रही है हमारी, तो तुमने बताया कि कूलिंग टावर में प्रॉब्लम होनी चाहिए वो हमें वो सब देखना चाहिए, तो जो हाई प्रेशर कितना होता है लो प्रेशर की सेफ्टी है कितनी कितने पे रखते हैं ये कितनी पीएसआई में होती है किसी में होती है ये तो सर हम किसी में भी रख सकते हैं, ये तो अपनी सहूलत के हिसाब से हम सेट कर सकते हैं जैसे अगर हम मैं पीएसआई की बात करूं तो जो स्टैंडर्ड पीएसआई हेड प्रेशर जो हमारा हाई प्रेशर होता है वो 114 इज द बेस्ट आइडियल हेड प्रेशर, और सर अगर मैं इसको आप दूसरे फॉर्म में देखें केपीए में हम देखें तो केपीए में हमारा 700-800 केपीए चलता है केपीए अगर मैं बात करूं
और जो सर इसको हम सेट करते हैं तो इस सेट करने का कोई पैमाना ऐसा होता नहीं है, ये हम सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द चिलर, अकॉर्डिंग टू द विच रेफ्रिजरेंट वी आर यूजिंग। अब जैसे सर हमारी R22 गैस है वो तो आजकल बहुत रेयरली यूज हो रही है, जो हमारी मोस्टली आजकल हमारी आप सबको पता है कि R134a यूज हो रही है, टेट्राफ्लोरोएथेन। तो ये आजकल हम यही गैस यूज कर रहे हैं। ओके, तो एक जैसे हमारा चिलर में एक वॉल लगा रहता है, हमारे एचयूएम में भी होता है, बैलेंसिंग वॉल लगाते हैं। यस सर, बैलेंसिंग वॉल क्या होता है, क्यों लगाते हैं, क्या पर्पस है उसका लगाने का? सर बैलेंसिंग वॉल का मतलब बैलेंस, उसका अपना नाम ही सर है बैलेंस, पानी को बैलेंस करना। ओके, क्योंकि हम एक नॉर्मल वॉल तो लगा नहीं सकते, जैसे पानी आया वैसे ही निकल गया, बात बनेगी नहीं फिर। अब उसमें अपना नाम, अपना नाम ही खुद बता रहा है कि बैलेंस, बैलेंस का मतलब होता है बैलेंस करना। कितना पानी कूलर को चाहिए वो उस टाइम इंस्टॉलेशन के टाइम पे, कमीशनिंग के टाइम पे ये सब चीजें होती हैं। कितना बैलेंस हम पानी करके चिलर को देंगे, अब उसके अंदर हमारे बैंड भी काउंट होते हैं, कितने बैंड आ रहे हैं, कितने ट्रैप आ रहे हैं, तो ये सब चीजें होती हैं मैनेज करने के लिए। इसलिए हम बैलेंसिंग वॉल्व यूज करते हैं, ताकि उसके अंदर बैलेंसिंग व्हील होता है, एक मीटर होता है, मीटर के साथ कनेक्ट बहुत सी चीजें होती हैं उसमें, वो बैलेंस करके मीटर गैलन पर मिनट जिसमें हम बोलते हैं जीपीएम, जीपीएम सेट करते हैं बैलेंस गैलन पर मिनट, ये सब चीजें। इसीलिए सर बैलेंसिंग वॉल्व का हम यूज करते हैं। तो एक्चुअली में हम कैलकुलेट करते हैं जब कमीशनिंग होती है तो हमारे चिलर को पानी कितना चाहिए, लाइन को कितना पानी चाहिए सर होने के लिए, उसी हिसाब से इंजीनियर सेट करते हैं और बैलेंसिंग वॉल्व लगाया जाता है, यही काम है बैलेंसिंग वॉल्व। ओके, जो सीएफएम के बारे में, सीएफएम क्या होता है, एक जैसे सीएफएम किसके बराबर होता है उसका थोड़ा सा। सीएफएम सर हमारा क्यूबिक फीट मिनट होता है, ये भी एक पैरामीटर होता है सर सीएफएम, जैसे हमारे एचयूएस पे नेम प्लेट लगी होती है इतने हजार सीएफएम का होती है, 5000 सीएफएम का है, 10000 सीएफएम का है, 15000 सीएफएम का, ये एक सर रेट होती है जो हम निकालते हैं। कई बार एचयू हमारा काम नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, दिख रहा है हमारे को ही हमारा 10000 सीएफएम का फॉर एग्जाम्पल का एचयू लगा, बट वो 10000 सीएफएम नहीं दे रहा है, वो क्यों नहीं दे रहा, फिर उसको मेजर करते हैं कि अभी एक्चुअल में कितने सीएफएम दे रहा है। तो हमारे फिल्टर्स पे जगह जगह एक मीटर होता है, एनवायरमीटर से हम जगह जगह मेजर करते हैं उसकी रीडिंग को, फॉर्मूला वो निकालते हैं उससे सीएफएम से। क्या रीजन हो सकता है, सपोज मेरा 10000 सीएफएम का है, तुमने कैलकुलेट किया बाद में निकाला और 7000 निकला, तो क्या दिक्कत हो सकती है जिसकी वजह से सीएफएम कम हो गया है? ये सर जब एक्चुअली क्या है कि ये सर जो हमारी सप्लाई डक्ट्स होती हैं इंस्टॉलेशन के टाइम पर जब हम एचयूएम इंस्टॉल करते हैं, डक्ट लगाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि कई जगह तो हम बहुत ही ज्यादा कूलिंग खुल जाती है डक्ट हमारी, और कई जगह उतनी खुल रही है, तो एयर फ्लो बैलेंस होता है। कई बार हमारी हमारे फिल्टर्स गंदे होते हैं काफी, जितना सख्त तो रिटर्न चाहिए वो रिटर्न नहीं ले रहा है, कारण हो सकता है हमारी बेल्ट भी लूज हो सकती है, वी बेल्ट के थ्रू जो हम करवाते हैं वो भी लूज हो सकती है, कारण हो सकता है हमारा ऑयल भी हमारी गंदी हो सकती है। ये सब चीजें मैजर मैटर करती है, हमारा सीएफएम पूरा नहीं देता है। जो भी किचन होता है, किचन वगैरह में सर्वर वगैरह यूज करते हैं, जैसे किचन का जो आता है, तो वो क्या होता है, कैसे वर्क करता है सर्वर? सर बेसिकली हमारा ये होटल लाइन में या रेस्टोरेंट लाइन में यूज होता है सर्वर। बेसिकली उसका काम ये है कि जो हमारा पॉल्यूटेड धुआं है उसको फिल्टर करके आगे भेजना।
पूरा एक इसका मैकेनिज्म होता है, एचयू की तरह ही होता है, फ्रेशर जिसको हम एयर वॉशर भी बोल देते हैं। okay, उसके अंदर फिल्टर, फिल्टर के अंदर एक वाटर टैंक होता है जिसको हम फिल करते हैं, उसके ऊपर नेजल स्प्रेट्स लगी होती है, वाटर नेजल स्प्रेट्स को हम बोलते हैं। okay. उसमें से हम पानी को स्प्रे करें okay. तो जो किचन से डक्ट वो खींच रही है वो जो धुआं है वो उनमें से होके निकलता है। तो जो वो थिकनेस होती है ना तो ऑयली ऑयली धुआं होता है, जो ऑयली पन होता है वो उसको रोक लेता वहीं पर काफी हद तक। मैं ये नहीं कहूंगा पूरी तरह से, उसको रोक लेता है। एग्जॉस्ट ग्रिल के थ्रू हम उसको आगे भेज देते हैं। फ्रेश एयर ट्रीटमेंट यूनिट होता है जो फाटू होता है, वो क्या काम होता है, उसमें क्या कुछ लगा रहता है, कैसे एयर को ट्रीट करता है और क्या क्या चीजें हमें उसमें ध्यान रखनी चाहिए? फाटू में सर, हाँ फाटू सर हमारा फ्रेश एयर ट्रीटमेंट ट्रीटेड यूनिट हो गया जिसको बोलते हैं। ये सर बेसिकली हमारा बिल्डिंग्स को, बिल्डिंग्स में जो हमारे वॉशरूम वगैरह होते हैं उसके लिए भी होता है। और इस पे सर हम कॉरिडोर में जिस पे जैसे हम हमें फ्रेश एयर देनी है उसके लिए भी हम यूज करते हैं। डबल स्टोरेज होता है इसको, हम डबल स्टोरी भी होता है, ऊपर भी और नीचे भी और ऊपर भी, दो जिसके दो जगह दो पार्ट। Okay. इसमें सर हमारा एक हीट रिकवरी व्हील भी लगा होता है। ठीक है सर। और नीचे सर हमारा ऐसे ही जैसे फ्रेशर के लिए फ्लोर होता है, मोटर होती है, बेड लगी होती है, ये सब होता है सर। और इसको सर क्या है कि फिल्टर जैसे जस्ट लाइक एचयू की तरह फिल्टर भी होते हैं इसके अंदर, जो हमें टाइम इसकी अच्छी एफिशिएंसी के लिए टाइम टाइम पर इसको क्लीन भी करना होता है। इसकी बेड वगैरह चेक करते हैं प्रॉपरली, हमारा इसका हीट रिकवरी भी देखना होता है कि प्रॉपरली जिस हिसाब से वर्क करना चाहिए ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पूरी पूरा इसका सर 28 मेंटेनेंस का पूरा शेड्यूल होता है फाटू का। क्योंकि अगर ये ठीक से काम नहीं करेगा तो सर फ्लोर पे सर हमारे वॉशरूम्स वगैरह में भी काफी फिर दिक्कत आने लग जाती है, स्मेल्स इश्यू होने शुरू हो जाते हैं। ओके। ऐसा है सर जहाँ पे हम एचवीएसी यूज नहीं कर सकते तो वहां पे हम फ्रेश एयर देते हैं, फिर वेंटिलेशन एक ह्यूमिडिटी इश्यू हो जाती है उसके लिए भी होता है। अगर फिल्टर क्लीन नहीं हो गया तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। हमारा जो एक जैसे प्राइमरी पंप होता है, सेकेंडरी पंप होता है, तो सेकेंडरी पंप लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, उसमें वीएफडी लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? सर क्या है कि सेकेंडरी पंप हम वहां यूज करते हैं जहां हमारी बिल्डिंग की थोड़ी हाइट ज्यादा है, एरिया ज्यादा है। जहाँ कम हाइट होती है, कम स्पेस है, जहाँ थोड़े कम कैपेसिटी के चिलर्स लगे हुए हैं, वहां पे तो हम चिलर पंप भी लगा के काम चल जाता है सिर्फ। लेकिन जहाँ हमारी हाइट ज्यादा है बिल्डिंग की, जहाँ ऊंचाई ज्यादा है, वहां पे हम सेकेंडरी पंप यूज करते हैं। जहां तक बात है सर वीएफडी लगाने की सेकेंडरी पंप के अंदर, अभी क्या होता है सर कई बार के हमारा टेम्परेचर अचीव हो गया है बिल्डिंग, बट होता क्या है कि वो उसी स्पीड में रन करता रहेगा पंप। बिल्डिंग को रिक्वायरमेंट है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, लेकिन चिलर पंप हमारा उसी पे रन कर रहा है, हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, पावर कंज्यूम हो रहा है उसी स्पीड पर। यूएफडी सर हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होती है। इसका लगाने का मेन पर्पस ये होता है कि अगर हमारा जब टेम्परेचर अचीव हो गया है बिल्डिंग का तो वो यूएफडी ऑटोमेटिक पानी के टेम्परेचर को सेंस करके उसकी स्पीड को स्लो कर देती है। स्पीड स्लो होने का मतलब ये है कि हमारा उस हिसाब से फिर रन नहीं करेगा। जैसे सर आजकल आपने देखा होगा कि आजकल लोग इन्वर्टर एसी लगा हुआ है अपने घर में, उसका भी वही सर मेन जस्ट काम है वीएफडी।
अगर हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है उतनी स्पीड में चलने की तो उसकी स्पीड को स्लो कर, हम ऑटो हैं और मैनुअली भी कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में। नहीं ऑटोमेटिक वो टेम्परेचर को सेंस करके करती है, अगर मैं इसको ऑटो में डाल देता हूँ तो टेम्परेचर को सेंस करती है या प्रेशर को सेंस करती है? सर ये भी अब कई जगह सर टेम्परेचर को भी सेंस करते हैं। टाइम के ऊपर बात है, टेम्परेचर को भी सेंस करती है जो ज्यादातर, तो मैंने सर देखा है, अपना देखा है कि वहाँ टेम्परेचर को ही सेंस करते हैं। जो हमारा एचयू होता है, सपोज हमारा एक एचयू है और मैं बोलता हूँ कि वो उससे बीएमएस से चल रहा है, तो एचयू में क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं? जैसे हमारा मोटराइज वाल हो जाता है, वीएफडी हो जाती है, वो सेंसर होता है टेम्परेचर सेंसर, ऐसी क्या क्या चीजें लगी रहती है, वो कैसे कैसे काम करती है? एक तो सर जैसे आपने बताया अभी हमने बात की थी कि जैसे हमारा सेकेंडरी पंप में बीएफडी लगी होती है, ऐसे ही सर जब हम बीएमएस की बात करते हैं बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम की, तो ये ऐसे ही सर हमारा एचयू के अंदर भी पैनल के अंदर हम एक बीएफडी लगाते हैं। ताकि जिस तरीके से हम पंप की रिक्वायरमेंट को कम कर रहे हैं, अपनी एनर्जी बचा रहे हैं, उसी हिसाब से हम एचयू की भी रिक्वायरमेंट कम कर दे, एचयू भी उसी स्पीड पे ना चलता रह गए वहां बिल्डिंग में अंदर, लोग ठंड से ठंड की कंप्लेंट कोली की कंप्लेंट कर रहे हैं और एचयू हमारा उसी स्पीड से चल रहा है, तो उसमें सर हमारा ज्यादातर एयर फ्लो सेंसर हम यूज करते हैं। टेम्परेचर फ्लो एयर टेम्परेचर को सेंस करके वो उस स्पीड को कम करता है, और सर उसमें हमारा मोटराइज वॉल भी होता है बीएमएस में, आउटलेट लाइन में लगा होता है मोटराइज वॉल, वो भी हमारा बीएमएस से कनेक्ट, तो वो भी हमारा जब उनसे कंप्लेंट आती है नीचे बीएमएस से हम सेंस कर लेते हैं, तो कई बार हम मैन्युअली नीचे से बैठे बैठे कंप्यूटर से ही सेट कर देते हैं उसका सेट पॉइंट, या मोटराइज वाल की एफिशिएंसी थोड़ी कम कर देते हैं, स्पीड कम कर देते हैं, तो उसका वेट जो मतलब अगर 100% खुला है तो 70% कर देते हैं, 50% कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। और एक है एक प्रेशर डिफरेंशियल स्विच लगा रहता है इसमें, जैसे हमारा फिल्टर विल्टर लोग हो जाते हैं तो वो कैसे काम करता है? डीपी स्विच डिफरेंशियल प्रेशर स्विच। यस सर, ये सर अभी मैंने अभी अपनी अपने एक्सपीरियंस में तो सर अभी मैंने कहीं ये देखा नहीं लगा हुआ डीपी स्विच। डीपी स्विच क्या होता है कि ये कई जगह लगाते हैं हम, एचयू के अंदर लगा दिया, सपोज हमारा एचयू की बेल्ट टूट गई है किसी वजह से, तो क्या होगा कि वो प्रेशर को सेंस करेगा दोनों साइड के प्रेशर को और हमें नीचे बीएमएस में बता देता है कि नहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है, कभी मोटर भी चल रही है हमें पता नहीं लगेगा, तो डिफरेंशियल प्रेशर डीपी स्विच है वहां पे यूज करते हैं। और इसके साथ साथ में जो हमारे फिल्टर होते हैं ना, क्वायल और फिल्टर के बीच में इसको लगा देते हैं, जैसे हमारे फिल्टर गंदे हो गए तो वो भी हमारे बीएमएस पर कमांड दे जाती है, वो जो प्रेशर है वो डिफरेंस हो जाता है जो उसमें सेटिंग की गई है उससे कुछ अलग प्रेशर हो गया, तो वो नीचे कमांड दे देता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो इस तरह एचयू के अंदर सर हमारा एक डोर सेफ्टी स्विच भी होता है। वो एक बिल्कुल डोर पे ही डोर क्लोजर की तरह लगा होता है, अंदर एक हम लाइट करा देते हैं कि जैसे ही अगर इन केस किसी ने भूल वर्ष खोल भी दिया एचयू का दरवाजा तो कट ऑफ कर देता है, सेंसर लगा होता है वो कट ऑफ कर देगा, पुश बटन टाइप में कुछ लगा रहता है उसके अंदर, पुश बटन टाइप में। तुम अपना कुछ बताना चाहते हो अपनी नॉलेज में से या कुछ हमने थोड़ा बहुत मिस कर दिया है तो? पूछा गया है कि डू स्केलिंग जो हम करते हैं कंडेंसर के अंदर कौन कौन सा यूज करते हैं, कैसे आइडिया लगा लेते हैं कि अब हमारी डू स्केलिंग हो चुकी है? कई बार पूछा जाता है, तो
कई बार होता क्या है तो हम डी स्केलिंग केमिकल यूज करते हैं, वो कई बार कई नामों से आता है, लेकिन जो हमने यूज किया है वो स्केल 400 होता है। Okay. और कई जगह तो सर HCl भी यूज किया जाता है। Okay. और इसका सर पैरामीटर होता है, इसमें भी है सर हम pH UPH देखते हैं। Okay. इसका जो pH का जो स्टैंडर्ड रखा गया है वो 2.5 रखा गया है। 2.5 Okay. Yes, sir. 2.2 स्केलिंग कर रहे हैं, और जब तक वो हमारा मेंटेन नहीं होता 2.5 तब तक हम ये मानते नहीं कि हमारी डी स्केलिंग अच्छी हो गई है। Okay. और कोई क्वेश्चन ऐसा जो तुमसे पूछा गया हो, तुमसे करना चाहते हो? एक तो सर ये चीज है, और बाकी तो सर अभी इतना कोई मेरे नहीं आ रहा है ध्यान में। Okay. आएगा तो बिल्कुल मैं आपके साथ। Okay. ठीक है अर्जुन, तुम्हारे से जो कॉन्वर्सेशन रहा काफी अच्छा रहा, और जो मुझे उम्मीद थी तुमसे, तुम उम्मीद पर खरे उतरे हो। मतलब मुझे पता था कि तुम जो भी आंसर दोगे सेटिस्फैक्टरी रहेगा। आई एम सो सेटिस्फाइड। और जो और भी कोई इस वीडियो को देख रहा होगा डेफिनेटली वो भी सेटिस्फाई होगा। और जो मैं एक अच्छा ग्रो हर कोई चाहता है, अगर तुम्हारा तुम्हारे से कोई कांटेक्ट करना चाहेगा, तुम्हारा कांटेक्ट डिटेल मैं अपने जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम्हारे तक वो पहुंच सकता है। और तुम्हारे लिए भी अच्छा है, और किसी को अपने लिए कोई अच्छा इंजीनियर चाहिए उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि एक वेल एक्सपीरियंस बंदा मिलना काफी मुश्किल होता है। तो अर्जुन आई एम सो हैप्पी विद योर इंटरव्यू। मैं अगर मार्किंग दूं तो 10 में से 9.5 तो तुम्हें मैं दूंगा ही दूंगा। थैंक यू सर, जो एक अच्छा एक्सेलेंट स्कोर है। ये सर मेरा भी आज पहला एक्सपीरियंस रहा है और काफी अच्छा रहा है। Okay. मैं आगे भी चाहूंगा कि ऐसे हम थोड़े थोड़े टाइम पीरियड पे ऐसे डिस्कशन हम करते रहें। जी, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो अगर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं इस वीडियो पे तो डेफिनेटली हम एक वीडियो और शूट करेंगे जिसमें हम उन सब पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, और अपनी नॉलेज और जो वीडियो को देख रहे हैं उनकी नॉलेज को हम बढ़ाएंगे। बिल्कुल सर, ठीक है अर्जुन, मैं तुम्हारा सारा डिटेल रहेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, और मुझे अपना एक सीवी फ्रेश सीवी भी भेज देना, उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा, जो उस पर क्लिक करके तुम्हारा सीवी डाउनलोड कर पाएंगे कोई भी। ठीक है सर, ठीक है अर्जुन, थैंक यू। थैंक यू सर।